वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज आप आसन ठीक होंगे तो मेरे को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि आज छठ पूजा है और छठ पूजा का शाम वाला आरज्ञ कल सुबह वाला आरज्ञ होगा। आज 19 तारीख है, 19 तारीख को शाम वाला आरज्ञ और कल 1 तारीख है, तो 20 तारीख को सुबह वाला आरज्ञ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम दिल्ली में, और दिल्ली में आप लोगों को आज दिखाने वाले ब्लॉग में दिल्ली में सभी लोग कैसे यहाँ पे, जो भी बिहार से हैं, जो बिहार से आकर के यहाँ दिल्ली में रहते हैं, वो लोग कैसे यहाँ पे छठ पूजा यहाँ पे वो सारा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे कैसे यहाँ पे सभी लोग घाट बनाए, यहाँ पे पार्क सभी लोग अपना अपना घाट बनाए हुए हैं, और चलेंगे भी आप लोगों को घाट का भी व्यू दिखाएंगे यहाँ पे कैसे सभी लोग घाट बनाए, वो सारा भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं और आप लोग कंटिन्यू वीडियो बने रहे, सारा भी आप लोगों को सभी लोग देख सकते हो। इधर छठ पूजा की सभी लोग यहाँ पे ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी लोगों को, और इधर डाला लेकर के सभी लोग अपने अपने घाट पे जा रहे हैं, और अभी हम भी यहाँ से आगे एंट्री कर रहे हैं। और ये देख सकते हो ये पानी वाला टंकी अंदर की ओर जा रही है गाड़ी लेकर के। ये आप लोगों को यहाँ से आगे का भी दिखाते हैं, सभी लोग कुछ लोग घाट पर आ गए हैं और कुछ लोग अभी घाट पर आ ही रहे हैं। ये देख सकते हो कुछ यहाँ का नज़ारा और यहाँ का व्यू, कुछ ये पार्क में सभी लोग मना रहे हैं यहाँ का छठ पूजा। आप सभी लोग देख सकते हो इधर यहाँ पे अभी सभी लोग आ चुके हैं घाट पे, अपने अपने घाट पे आ गए हैं सभी लोग, और यहाँ पे कैसे घाट बनाया गया ये व्यू आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हो सारा फूल वगैरह फल वगैरह यहाँ पे सजाया गया अभी घाट के पास, और सभी लोग डाला लेकर के अपना अपना घाट पे पहुँच चुके हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के अभी देख सकते हो, और बहुत सारा लोग अभी पीछे से आ ही रहे हैं। ये देख सकते हो इधर कुछ लोग अभी पीछे से आ ही रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पानी का कैसे व्यवस्था किया जा रहा है, इसमें पानी कैसे डाल रहे हैं, तो ढलाई किया गया बनाया गया घाट किस तरीका से। इधर भी और कुछ लोग घाट बनाए हुए हैं, इधर का भी आप लोगों को आइए दिखाते हैं कैसे कैसे। और इधर प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है यहाँ।
सभी लोग यहाँ से अभी सभी लोग शाम का अर्ध हो चुका है, शाम का जो है ये पूजा हो गया और सुबह सभी लोग फिर से आएंगे यहाँ पे घाट पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज सुबह फिर से हम जा रहे हैं आज घाट पे। आज जैसे कि आप लोगों को पता था, आज कल शाम वाला अर्घ था और आज सुबह वाला अर्घ है। आज सुबह वाला अर्घ कैसे देते हैं अभी सभी लोग, वो सारा अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं अभी हम घाट पे। और जैसा कि आप लोगों को बताए थे, वहाँ से कुछ लोग शाम में ही अपने अपने घर को आ गए थे और कुछ लोग वहाँ पे ही रुके थे, वहाँ पे ही रात भर भजन कीर्तन वगैरह वो लोग करते रहे और छठ माँ का गीत वो लोग गा रहे थे। तो वो व्यू मैंने शूट नहीं कर पाया, नहीं दिखा पाया वो। तो अभी चलिए अभी चलते हैं घाट पे और दिखाते हैं। अभी सुबह हम फिर से आ गए हैं घाट पे यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा मुझे लेट हो गया यहाँ से आगे। आइए चलते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं सभी लोगों को। देख सकते हो आगे का कुछ माहौल यहाँ पे इस टाइप से, और कितने ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे खड़े पड़े हैं। छठ पर्व जो है बहुत महान होता है। पहले सिर्फ यूपी और बिहार में मनाया जाता था, लेकिन ये छठ पर्व जो है अब पूरे दुनिया में मनाया जाता है। सब जगह आप लोग न्यूज में देखते हुएगा, टेलीविजन में देखते हुएगा, ये अब नरेंद्र मोदी जी ने इसको राष्ट्रीय पर्व भी घोषित कर दिए हैं। जिस तरीके से होली और दिवाली का पर्व मनाया जाता है, उसी तरीके से हर साल अब पूरे दुनिया में मनाया जाएगा और इसमें अब कोई बाधा नहीं होगा। हर साल की भांति इस पर भी बहुत धूमधाम से छठ पूजा मनाया गया है। लेके सभी लोग अपने जा रहे हैं। इधर सूर्य उदय हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को
बता रहे थे तभी से वहाँ से नीचे से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहाँ पे घर वगैरह इतना सारा बड़ा बड़ा यहाँ पे घर है, उस वजह से सूर्य देव यहाँ पे जो है उदय तो हुए थे लेकिन दिख नहीं रहा था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये उदय हो चुके हैं और सभी लोग यहाँ पे छठ पूजा मना के अपने अपने घर को जा रहे थे। वो सारा व्यू भी आप लोगों को दिखाएं तो हम भी अभी यहाँ छत पे हैं, अभी बाहर में खड़े हुए हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे दिल्ली में भी मतलब सेम जैसे हम लोग बिहार में मनाते हैं छठ पूजा, जैसे बिहार में छठ पूजा होता है वैसे यहाँ पे जो भी बिहारी बिहार से हैं जो यहाँ पे रहते हैं आके रहते हैं तो वो सारे लोग यहाँ पे अपना छठ पूजा बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं। वो सभी लोग जैसा कि वो उन लोगों का घाट भी बहुत अच्छे से उन लोग बनाया हुआ था, सजाया हुआ था घाट को, घाट पे भी बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे जा करके। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस पर्व को हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे सबको बता रहे थे कि ये पर्व अब बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व के तौर पर अब मनाया जाएगा क्योंकि ये पर्व बहुत ही बड़ा पर्व है गाइस और बहुत ही अच्छे से सभी लोग यहाँ पे मनाते हैं। तो इसी बात को जो है ना हमारे पीएम मोदी कि सूर्यदेव का कैसे इस पर्व में पूजा होता है तो वो सारा सब कुछ इसमें बता रहे थे उस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नया नया व्लॉग नया नया वीडियो जब भी इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इतना ही। ये छठ लास्ट है आज छठ पूजा और हम लोगों का पर्व भी आज खत्म हो गया, दशहरा दीपावली छठ ये सब मेन पर्व होता है हम लोगों का, तो आज पर्व खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।